तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आरएनजी न्यू एप्स यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो कॉलेज फोटोज होती है वो आप कैसे बना सकते हो, यानी कि बहुत सारी फोटो एक ही फोटो के अंदर आप कैसे लगा सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और ले चलता हूँ अपने फोन के स्क्रीन पर, वहां पर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एक साथ आप बहुत सारी जो फोटोज़ होती है वो कैसे आप मतलब बना सकते हो, जो कॉलेज फ़ोटो होती है वो आप कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यहाँ पर एक या तो फिर कोई एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एक एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड किया हुआ है और इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर लिखा हुआ है कॉलेज, तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और अलाउ करना है, और फिर यहाँ पर आपको अपना वो फ़ोटो सिलेक्ट करना है जो भी फ़ोटो आपको बनाना हो कॉलेज फ़ोटो पे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए जैसे कुछ मैं फ़ोटोज़ यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर चार पांच फ़ोटो मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, सात फ़ोटो ऐड किया, नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से आएगा। डिज़ाइन आपको यहाँ पर नीचे देखने के लिए मिल जाएगा कि किस तरह डिज़ाइन में आपको बनाना है फ़ोटोज़। ठीक है, वो आप सिलेक्ट कर लो यहाँ पर पहले तो अपना डिज़ाइन, और यहाँ पर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो फोटो को। अगर आपको एडजस्ट करना हो उस तरीके से तो आप एडजस्ट कर सकते हो। और भी यहाँ पर बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाते हैं, जो भी आपको डिज़ाइन पसंद आता है वो डिज़ाइन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लो और अपनी फ़ोटो को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। अगर सही से नहीं दिख रही है आपको तो इस तरीके से आप एडजस्ट कर लो फोटो को। वैसे तो सही से एप्लीकेशन खुद हमें बना के देता है। और उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे हैं, जो भी आपको पसंद आए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब क्या करना है, यहाँ पर जो कि बॉर्डर, आपको यहाँ पर बॉर्डर भी मिल जाता है, बॉर्डर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपको बॉर्डर रखना कुछ इस तरीके से, आप यहाँ पर बॉर्डर की डिज़ाइनिंग भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बैकग्राउंड अपने हिसाब से दे सकते हो, जो भी आपको बैकग्राउंड देना हो वो बैकग्राउंड दे सकते हो। अगर आपको बैकग्राउंड ब्लर करना है तो यहाँ पर ब्लर का भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये जो है इमेज हमारा रहेगा, बाकी ब्लर हो जाएगा। कस्टम के ऊपर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर कोई अपना फ़ोटो लेकर के उसको बैकग्राउंड में लगा सकते हो, वाइट रखना है तो वाइट रख सकते हो। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर टिक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे टिक के ऊपर क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से और आएगा, और यहाँ पर कुछ और भी अगर आप एडिट करना चाहो तो एडिट कर सकते हो। ड्रॉ करना चाहो, कुछ नाम लिखना चाहो, स्टिकर लगाना चाहो तो स्टिकर्स वगैरह भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। बहुत सारे आपको स्टिकर्स भी यहाँ पर अच्छे अच्छे देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पर फ्री डाउनलोड है, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड होंगे, और यूज़ के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर कोई भी स्टिकर आप यूज़ कर सकते हो। जैसे भी आपको जहाँ पर भी जो भी स्टिकर लगाना हो वो आप स्टिकर भी लगा सकते हो। आपको यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, ये देख सकते हो बहुत सारे स्टिकर्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, जो भी आपको जैसे एडजस्ट करना हो वैसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से फोटोज़ पर लगा सकते हो। अभी तो मैंने उल्टा पुल्टा कहीं पर भी कोई भी लगा दिया, आप अपने हिसाब से सेट कर लेना। ठीक है, एग्जांपल दिया मैंने यहाँ पर कि इस तरीके से आप फोटो यहाँ पर एडिट कर सकते हो। फिर आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। जैसे सेव के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर सेव होगा, और उसके बाद यहाँ पर आप डायरेक्ट इसको जो कि इंस्टाग्राम फेसबुक पर आप शेयर कर सकते हो, व्हाट्सअप वगैरह पर आप डायरेक्ट भेजना चाहो यहीं से आप, तो इसको भेज सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।